सभी भक्त गणों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थान कदमखंडी पर मौजूद हूँ और इस वक्त आपको मैं दर्शन करवाऊंगा जहाँ पर उन्होंने अपने एक भक्त श्री नागा बाबा को दर्शन दिए थे। और देखिए, मुख्य रूप से आपको नागा बाबा के बारे में अभी यहाँ पे एक जो महंत हैं जो संभाल रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। 84 कोस परिक्रमा वो एक दिन में करते थे, मतलब 250 किलोमीटर एक दिन में। फिर उसके बाद में वो गौ को आके उनकी सेवा करते थे, तो बाल उलझे थे उनके झाड़ियों में। आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा एक जंगल का क्षेत्र है। कभी यहाँ पे काफी घनी झाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कदम के वृक्ष हैं, कुछ ठीक ठाक सा स्थान है। ठहर गए तो आपको दर्शन करवाएंगे कदमखंडी में, और बहुत ही पवित्र स्थान है। अगर आपको आना हो तो बरसाने से आप ऊंचा गांव पहुंचेगा, किसी को पूछेगा, ऊंचा गांव से सुनहरा गांव, सुनहरा गांव से आपके पाछोल, तो पाछोल गांव में यह कदमखंडी स्थान है, रमणीक स्थान है, 84 कोस परिक्रमा में आता है। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल, और यहाँ पे पक्षियों की चहकने की आवाज, उनके बीच में ये पवित्र स्थान मंदिर। तो ये जो आप दर्शन हो रहे हैं, देख रहे हैं, कदमखंडी किस लिए महत्वपूर्ण है। एक नागा बाबा को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनकी जटाओं को जिस सुलझा रहे हैं कि वो झाड़ियों में फंस गई थी, और श्री राधा रानी भी उनके साथ में है। ऐसे अद्भुत दर्शन आपको हो रहे हैं दोस्तों। ये नागा बाबा गलत 84 कोस की एक दिन में परिक्रमा कर देते थे, कोकलावन से उठाते थे, तो गौ सेवा करके इनकी गोबर की हेला धर चली थी दोनों हाथों। तो जैसे तुम लोग आए तो बोल बाबा गुरु जी कहाँ गए, बोल बाबा वो तो गैयान के नथरा नाथ डालने गए। तो बाबा महाराज बोले अब कब तो जी आएंगे, बोल बाबा तुम्हारे चेला की तो दोनों हाथों से आदर कर लिए गोबर की। तो बाबा महाराज ने बुलाए, अब बाबा मैं गौ की सेवा नित्य रोज करूंगा और दरअ 84 कोस की एक दिन में परिक्रमा करूंगा। तो गुरु जी बोले तू यहाँ रहे, अरे बाबा बुढ़ापो शरीर है तेरो दुनिया नाम धरे की, मैं नित्य की 84 कोस की एक दिन में परिक्रमा कर दूंगा और गौ की सेवा नित्य रोज करूंगा। तो 84 की परिक्रमा करते करते आए तो झाड़ी में लता अर्जगी थी। तो कन्हैया जी को 3 दिना खाजे खाजे हो गई। तो यहाँ के ब्रजवासी ग्वाल अगवाबा तेरी लता को सुलझा दू, बोल बाबा तू कहा सुल जाए को जाने आ जाइए जो ही सुल जाए। तो तेरो चंद्र का कहाँ है, तेरो मंत्र का कहाँ है, तेरी मुकुट कहाँ है, तेरी पीतमरी कहाँ है, तेरो पाए के कहाँ है, तेरी मुर्गी कहाँ है। तो कन्हैया जी भेष धारण करके बोल बाबा अब बाबा मैं अब भी ना सुल जाऊं, तुम वो ब्रजवासी को रूप दिखा रो, अभी छलिया है ब्रजवासी वो तो स्वयं मेरी राधा रानी बगैर तुम्हें पैर ना करूँ। तो राधा रानी और कन्हैया जी दोनों साथ में आए थे। 500 वर्ष पुरानी बात है, 500 वर्ष पुरानी बात है, साधु संत रहते इस बनी में पूरी। नागा जी महाराज की जय। नागा जी महाराज का नाम कुछ चतुर चिंतामणि निम्बार की आचार्य। अच्छा, चतुर चिंतामणि निम्बार की आचार्य पैगाम की इनकी जन्म भूमि है। पैगाम के पैगाम पोखरा वन में ने तपस्या करी थी, तो यहाँ राधा कृष्ण और राधा रानी दोनों बुलाए थे। आज भी नित्य रोज परिक्रमा करते हैं, बिहार बंद करते हैं श्री जी का, आज भी नित्य रोज का। ये देखिए चित्रकारी यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है। दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे, श्री राधे कृष्ण हरे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बहुत।
भक्तों, अब आपके सामने है जो नागा बाबा थे उनकी ये समाधि स्थली है। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए यहाँ से, ये उनके समाधि स्थली है। और ये जो देख रहे हैं आप आसपास, ये बाकी के जो महान संत रहे हैं ये उनकी समाधि स्थलियां हैं। देखिए कितने पावन स्थान है, कितना अद्भुत ये स्थान आपको दर्शन हो रहा है। ये देखिए चारों तरफ ये सब कदमकंडी का क्षेत्र है। कितना पुराना वृक्ष देखिए आप यहाँ पर। ये देखिए सारे संतों की, जो महान संत थे उनकी समाधि स्थली है। और यह है वह गुरुदेव श्री नागा बाबा, जिनको श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन हुए थे। तो बड़े दुर्लभ आपको दर्शन हो रहे हैं। ये सारा क्षेत्र जो है कदम खंडी कहते हैं इसे, कदम के वृक्ष हैं। काफी प्राचीन यह स्थान है, काफी प्राचीन यह वृक्ष हैं। ये देखिए इन वृक्षों पर ऐसे जीवों के यह वसीरा है। कितना प्राचीन स्थान के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। हरे कृष्णा। देखिए जो नागा जी महाराज जब यहाँ आए होंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जंगल हुआ करता था और ऐसे वृक्ष हुआ करते थे। देख सकते हैं आप, इनको हींस के पेड़ कहते हैं, हींस होते हैं ये लोकल भाषा में यहाँ पे कहते हैं। तो कभी वो यहाँ आए होंगे तो बेसिकली इनके अंदर से गुजर रहे होंगे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत से वृक्ष हुआ करते थे उस समय पे। अब तो ये बहुत लिमिटेड हो गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक वृक्ष, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो जब कोई भी अंदर घुसेगा तो जाहिर सी बात है उस समय कितना घना होता होगा, झाड़ियां नीचे होती होंगी, उसमें उनके बाल उलझे थे और वहीं पे वो 3 दिन तक रह गए थे। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिले। और भी जैसे वृक्ष हैं ये देखिए कुछ इस प्रकार से झाड़ियों वाले ये वृक्ष हुआ करते थे। ये देखिए ये, अब इनमें कोई भी घुसेगा भैया वो सीधी बात फंसेगा ही फंसेगा। तो ये हींस के पेड़ है। ये देखिए कदम खंडी में